बल्क मॉडुलस, देखो जो बल्क मॉडुलस है उसका फॉर्मूला है माइनस डेल्टा पी बाय डेल्टा वी बाय वी, चाहे आप मैग्नीट्यूड यूज कर लो, प्रेशर पॉइंट, वॉल्यूमेट्रिक चेंज को बल्क मॉडुलस बोलते हैं, और रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी भी बोलते हैं। अगर एक लिक्विड है एच हाइट का और बेस के ऊपर कोई प्रेशर पूछे कितना है, तो आप फॉर्मूला क्या बोलेंगे, एच रो जी, तो चेंज इन प्रेशर एच रो जी है। तो जैसे क्वेश्चन है प्रेशर ऑफ अ मीडियम इज चेंज फ्रॉम इतने पास्कल टू इतने पास्कल, तो माइनस करके क्या निकाल सकते हैं, डेल्टा पी, और परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम गिवन है, परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम का मतलब डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू गिवन है। पूछ रहा है बल्क मॉडुलस क्या है, तो लगा लो ना डेल्टा पी को डेल्टा वी बाई वी से डिवाइड करके बल्क मॉडुलस की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखेंगे, जस्ट हिंट दे रहा हूँ कि इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने फॉर्मूला नोट करना है वो है कंप्रेशन का डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ता है। देखो जब आप एक बॉल को एक सी के नीचे लेके जाते हो, पानी उसे क्या करेगा, प्रेस करता है, तो वॉल्यूम छोटा हो जाता है। अब मुझे पता है जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास तो किसी भी बॉडी का कांस्टेंट है, जहां मर्जी ले जाओ। तो अगर किसी चीज को दबाने से वॉल्यूम छोटा होता है तो डेंसिटी उसकी बड़ी होती है। तो क्वेश्चन है नई डेंसिटी बताओ क्या होगी। तो फॉर्मूला नोट करें, सीधा फॉर्मूला नोट करें, नई डेंसिटी विल बी इक्वल टू ओरिजिनल डेंसिटी, ओरिजिनल डेंसिटी इनटू वन प्लस डेल्टा पी चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय बल्क मॉडुलस। इस फॉर्मूले को नोट करें, और क्योंकि वन अपॉन बल्क मॉडुलस को कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं तो यहां पर सी भी लिखा जा सकता है। ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वो बोलेगा कि एक बॉल की डेंसिटी सरफेस के ऊपर 10 है, बताओ एच डेप्थ पे क्या हो जाएगी। भाई जब बॉल की डेंसिटी आपको 10 गिवन है, डेप्थ पे जाके डेल्टा पी क्या हो जाएगा, एच रो जी, तो एच रो जी निकाल लेंगे और आपको बल्क मॉडुलस क्वेश्चन में गिवन होगा, वहां से नई डेंसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। तो फॉर्मूला याद रहेगा, तो इस फॉर्मूले को नोट कर सकते हैं कि डेंसिटी कैसे चेंज होती है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज करेंगे। क्या पॉइंट क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट है, इस फॉर्मूले के बाद शेयर मॉडुलस, शेयर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। आपके पास एक कोई भी वायर है, आपने उसको फोर्स लगाई तो कितना स्ट्रेस लगाया, फोर्स बाय एरिया, तो स्ट्रेन कितना प्रोड्यूस होगा, ये डेल्टा एल है और ये एल है, स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा एल बाय एल। तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होगा, फोर्स बाय एरिया डिवाइडेड बाय डेल्टा एल बाय एल। ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ठीक। तो इसमें ईटा का फॉर्मूला फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल पुट करेंगे इसमें। ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू नोट करेंगे। नेक्स्ट है, इसके न्यूमेरिकल को कैसे करते हैं। वो कह रहे हैं एक स्क्वायर स्लैब है जिसकी साइड 50 सेंटीमीटर है, ये रही 50 सेंटी स्क्वायर है, एंड थिकनेस 10 है, तो थिकनेस होगी, मोटाई होगी, इसकी कोई बात नहीं। सब्जेक्टेड टू शेयरिंग फोर्स, शेयरिंग फोर्स का मतलब टेडी फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स। द लोअर एज इज रिविटेड टू द फ्लोर, बांध रखा है, ये नहीं हिलेगा। हाउ मच इज द अपर एज डिस्प्लेस्ड, डेल्टा एल बताना है, ईटा आपको गिवन है। अब इस क्वेश्चन में एल पता है 50, फोर्स पता है, एरिया एल का स्क्वायर हो जाएगा 50 इंटू 50 का स्क्वायर, ईटा पता है। तो यहां पे क्या करेंगे, ईटा फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्या निकालना है, डेल्टा एल। तो क्योंकि ईटा की जगह वो थीटा स्ट्रेन की जगह क्या पुट करेंगे, टेन थीटा क्या होता है, डेल्टा एल बाय एल, एंगल छोटा है तो टेन थीटा की जगह क्या पुट करेंगे, डेल्टा एल बाय एल, ये रहा। तो डेल्टा एल निकालना है, सारी वैल्यूज गिवन है आंसर। तो जो बता रहा हूं कि कैसे शेयर स्ट्रेन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद है पॉइसन रेशियो, हेडिंग डाल सकते हैं पॉइसन रेशियो। नॉर्मली यूज नहीं होती पर बता देता हूं, पॉइसन रेशियो है कि अगर आपके पास एक वायर है उसका डायमीटर डी है, आप जब वायर को खींचते हो तो लंबाई उसकी, लेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है, तो डायमीटर पतला हो जाता है। हमने जितने क्वेश्चन अभी तक किए उसमें डायमीटर में स्ट्रेन हमने लिया नहीं, पर एक्चुअल में दोनों स्ट्रेन इकट्ठे चलते हैं, डायमीटर में भी चलता है और लेंथ में भी चलता है। जब लेंथ बढ़ेगी तो डायमीटर कम होगा, तो लेंथ में स्ट्रेन कितना है, डेल्टा एल बाय एल, और डायमीटर में स्ट्रेन कितना, डेल्टा डी बाई डी, और एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, तो इसलिए साइन क्या आएगा, माइनस।
तो इनकी रेशियो को पॉइसन्स रेशियो बोलते हैं, पॉइसन्स रेशियो। तो आप प्लीज़ इसमें नोट करें, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं तो फॉर्मूला नोट कर लें, सिग्मा इज इक्वल टू माइनस डायमीटर का स्ट्रेन। डायमीटर के स्ट्रेन को बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन, और लेंथ के स्ट्रेन को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो सिग्मा की वैल्यू आएगी, ठीक, ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट है, ये चार फॉर्मूलाज हैं, पता नहीं मेंस और नीट को इतनी क्या इसमें मतलब इंटरेस्ट रहता है, इनमें से ना एक क्वेश्चन पूछ लेता है, न्यूमेरिकल नहीं पूछता, व्हाट इज द करेक्ट रिलेशन। जैसे ये मेंस में अभी 2021-22 में क्वेश्चन आ रखा है, ये सेम क्वेश्चन है कि सिग्मा का पॉइजन रेशियो का, ईटा का बल्क का और ईटा का क्या रिलेशन है, पूछ लेगा यंग मॉडल्स का सिग्मा का ईटा का क्या रिलेशन है। तो चारों फॉर्मूला नोट कर लें, प्रूफ नहीं है, इनमें से कोई भी एक फॉर्मूला देगा उल्टा सीधा करके, चार ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन मार्क करवाएगा। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, ये भी आया हुआ है नीट और मेंस में, ये भी आया हुआ है नीट और मेंस में, ये आ जाते हैं मार्क करने को। तो ये फॉर्मूला नोट करने के बाद नेक्स्ट है प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर। फ्लूइड प्रेशर में मेन चीज़ पे चलते हैं, कुछ नहीं करना आपने इसमें, मेन चीज़ है प्रेशर क्या होता है, फोर्स बाय एरिया। एवरेज प्रेशर होता है डेल्टा एफ बाय डेल्टा ए, और किसी पॉइंट का प्रेशर के लिए आप लिमिट लगाते हैं डेल्टा ए अप्रोचेज टू जीरो, तो वो बहुत छोटा पॉइंट बन जाता है, छोटा एरिया, तो डी एफ बाय डी ए। तो फोर्स बाय एरिया प्रेशर सबको पता है। नेक्स्ट इसके अंदर है पास्कल लॉ। पास्कल लॉ के ऊपर क्वेश्चन आता है, मेंस और नीट में आ जाता है इजी क्वेश्चन में। पास्कल लॉ में अगर एक बंद कंटेनर में लिक्विड है, वाटर है, आप यहां से प्रेशर लगाते हो, तो प्रेशर हर पार्ट पर इक्वली डिवाइड हो जाता है। तो इसके अंदर प्रेशर कितना है, फोर्स बाय एरिया, इसमें प्रेशर कितना है, टू एफ बाय टू एरिया, इसमें प्रेशर कितना है, एफ बाय टू बाय ए बाय टू। तो प्रेशर हर पॉइंट पर विल रिमेन सेम, ये याद रखना है आपने इसमें। इसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें वो है प्रेशर बाय लिक्विड कॉलम। अगर आपके पास कोई लिक्विड एच हाइट का लिक्विड है, तो इसके फ्लोर पे कितना प्रेशर लगेगा, सीधा फॉर्मूला क्या है, एच रोजे, ठीक है, एच रोजे। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है लिक्विड के अंदर, तो ए और बी पॉइंट पे प्रेशर डिफरेंस कितना है, पी टू, नीचे प्रेशर ज़्यादा होगा लिक्विड का, ऊपर कम होगा, नीचे पानी का प्रेशर ज़्यादा है ऊपर कम है, तो पी टू माइनस पी वन क्या होगा, एच रोजे। तो ये पता होना चाहिए। एग्जाम्पल्स हैं प्रेशर के, सिर्फ समझ लो, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें। अगर एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड है, अगर मैं बोलूं कि ए पॉइंट हवा में है, तो यहाँ प्रेशर क्या होगा, आप बोलेंगे पी एटमॉस्फेयर। अगर मैं बोलूं कि बी पॉइंट सरफेस के ऊपर है, पानी के अंदर नहीं है, तो प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर। अगर मैं बोलूं कि सी और बी में डिफरेंस एच वन है, तो प्रेशर एट सी माइनस प्रेशर एट बी क्या होगा, एच वन रोजी, प्रेशर डिफरेंस एच वन रोजी। पर बी पॉइंट का प्रेशर कितना है, पी एटमॉस्फेयर, तो सी का प्रेशर क्या होगा, पी एटमॉस्फेयर प्लस एच वन रो जी। तो मतलब अगर मैं डायरेक्ट पूछूं कि सी का प्रेशर कितना है, आप बोलेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस एच वन रो जी। ऐसे ही डी और बी में भी कर सकते हैं, प्रेशर डी माइनस प्रेशर बी क्या है, एच टू रो जी। बी का प्रेशर क्या है, पी एटमॉस्फेयर, पी एटमॉस्फेयर राइट पे चला गया तो डी का प्रेशर आ गया। तो आप ओरली भी लिख सकते हैं,
डी का प्रेशर क्या होगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच टू रोज। क्लियर है यहाँ तक? तो ये एच रो जी का कॉन्सेप्ट है, कुछ करने की जरूरत नहीं है इसमें, सेम है, कुछ नहीं करना। अगर मान लो वेसल के ये जो पाइप्स हैं जैसी मर्जी टेढ़ी मेढ़ी हों, पर लिक्विड की हाइट हर वेसल में एच है, तो यहाँ पे ए बी सी डी पे प्रेशर कितना डेवलप होगा, एच रो जी, एच रो जी, एच रो जी और एच रो जी। पाइप की शेप इसमें कोई फर्क नहीं डालती, आंसर सेम रहेगा। फिर आपने इसमें ये देखना है कि एक्सेलरेटेड मोशन, अगर किसी कंटेनर में लिक्विड है और वो रेस्ट पे पड़ा हुआ है तो आपको ऐसा डायग्राम दिखेगा, पर अगर ये कंटेनर मूव कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन तो पानी पीछे को जाएगा, डायग्राम ऐसा बनेगा इंक्लाइन प्लेन की तरह। आपसे पूछा जाएगा ये एंगल कितना है, तो आप कोई भी एक पॉइंट ले लिक्विड का, यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, जी। तो यहां पर अगर कंटेनर ए के साथ मूव कर रहा है तो यहां पर सूडो फोर्स की वजह से बैक एक्सेलरेशन क्या लगेगी, ए। तो नेट एक्सेलरेशन इस लिक्विड पे क्या लगेंगे, जी और ए। तो वेक्टर सम क्या होगा इनका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पूछेगा कि नेट एक्सेलरेशन क्या लगेगी, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। पूछेगा कि एंगल क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होते हैं इंक्लाइन प्लेन की तरह, तो इंक्लाइन प्लेन में अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाता है, तो टेन थीटा क्या होगा, ए डिवाइडेड बाई जी। तो थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ए बाई जी। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे यूज करेंगे। नेक्स्ट आपने इसमें कुछ नहीं करना, ये कुछ नहीं करना, कॉम्प्लिकेटेड है ये चीजें। आर्कमिडीज प्रिंसिपल, आर्कमिडीज प्रिंसिपल में यहां से करेंगे, अगर आपके पास कोई भी एक बॉडी है, दो तरीके से यूज करेंगे आर्कमिडीज को, कोई भी एक बॉडी है और उसको आपने लिक्विड में डुबो दिया, है ना, कोई भी बॉडी है उसको आपने लिक्विड में डुबो दिया, तैर नहीं रही, लोहे का ही ले लो, लोहे का पीस है, तो बाहर वेट 10 न्यूटन एक्चुअल वेट और लिक्विड के अंदर वेट कितना है, 8 न्यूटन हो जाएगा। कम इसलिए होगा क्योंकि लिक्विड क्या लगाएगा इसके ऊपर, अप थ्रस्ट लगाएगा, और अप थ्रस्ट कितना लगाएगा, 2 न्यूटन, तभी तो वेट कितना हो गया, 8 न्यूटन। तो लिक्विड में जाते देयर इज लॉस ऑफ वेट। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि अगर बाहर W1 वेट है, अंदर W2 है, तो W1 माइनस W2 क्या है, लॉस इन वेट। तो जो भी लॉस इन वेट होगा उतना ही वेट ऑफ लिक्विड क्या आएगा, डिस्प्लेस्ड, क्योंकि जब बॉल पानी में जाएगी तो पानी डिस्प्लेस होगा, उसका जो वेट होगा और लॉस इन वेट वो एग्जैक्टली सेम है, और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट की वैल्यू भी एग्जैक्टली सेम है। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट सेम होते हैं हमेशा, तो किसी न्यूमेरिकल में अपथ्रस्ट निकालने को आए तो आप वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालते हैं, एक ही बात है। तो आर्कमिडीज की पहली डेफिनेशन क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं W1 और W2, तो लिखेंगे इसमें लॉस इन वेट W1 माइनस W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू अप थ्रस्ट। ये लिख ले प्लीज, ठीक है, और ये तो बहुत लिखें, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अप थ्रस्ट वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही बात है। तो तब है जब हम फ्लोटेशन की बात नहीं कर रहे, अगर बॉडी तैरती है, इसको फ्लोटेशन प्रिंसिपल बोलते हैं। इमेजिन करो एक बॉडी तैर रही है, फ्लोट कर रही है, तो ऐसे फ्लोट कर रही है जिसका कुछ पोर्शन लिक्विड के बाहर है और कुछ पोर्शन लिक्विड के अंदर है। तो अगर टोटल वॉल्यूम वी है तो ये वी डैश है और ये वी माइनस वी डैश है। तो आर्कमिडीज प्रिंसिपल का फ्लोटेशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि बॉडी तब तैरेगी जब वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड एंड अपथ्रस्ट तो एक ही बात है, तो अपथ्रस्ट जो होगा वो पूरे वेट को क्या करेगा, बैलेंस, तभी बॉडी तैर पाएगी। ऊपर की फोर्स और नीचे की फोर्स बैलेंस करोगे तभी तैर पाएगी। तो आपने ये लिख रहे हैं कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड या अपथ्रस्ट मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस वी माइनस वी डैश, क्योंकि बॉडी का पोर्शन वी माइनस वी डैश लिक्विड में है, तो लिक्विड का वॉल्यूम भी एग्जैक्टली सेम है। याद रखना जब अपथ्रस्ट पूछा जाए या वेट ऑफ लिक्विड पूछा जाए, क्योंकि वेट ऑफ लिक्विड है तो डेंसिटी किसकी पुट करनी है, लिक्विड की ही पुट करनी है इनटू जी। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी, दिस इज वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम वी इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू जी,
क्योंकि जब वेट बॉडी का निकल रहा है तो बॉडी की डेंसिटी, और जब लिक्विड का निकल रहा है तो लिक्विड की डेंसिटी। तो ये क्या किया मैंने, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड इज होल वेट ऑफ द बॉडी। इसको लगा के दिखाता हूँ। जैसे एक आइसबर्ग तैर रहा है किसी भी लिक्विड में, तो सी वाटर है और ये आइस है, आपको बताना है कि कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम हवा में है। तो मान लो वी डैश हवा में है, तो फ्रैक्शन में क्या निकालना है, वी डैश बाई वी इंटू 100 निकालना है, ठीक है। क्योंकि आइसबर्ग तैर रहा है तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड क्या होगा, वी माइनस वी डैश, लिक्विड में कौन है सी, तो डेंसिटी ऑफ सी इंटू जी, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड मस्ट बी इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। होल वेट में क्या आएगा, टोटल वॉल्यूम वी इंटू डेंसिटी ऑफ बॉडी यानी कि आइस इंटू जी। तो वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस इज इक्वल टू होल वेट ऑफ द बॉडी। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोनों की डेंसिटीज पता है, सॉल्व करके वी डैश और वी की वैल्यू आएगी, और 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम आएगा। तो पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक कि कैसे करना है इसमें, ठीक। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आपने नोट करना है वो है स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिलेटिव डेंसिटी का। दो फॉर्मूले नोट करने हैं। पहला, रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब डेंसिटी ऑफ बॉडी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी भी एक ही बात है। और दूसरा फॉर्मूला नोट करना है, बॉडी का वेट एयर में डिवाइडेड बाय लॉस इन वेट जब वो पानी में चली जाती है, वाटर में जाएगी, तो एयर में वेट अपॉन लॉस इन वेट को भी क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी। वैसे ज्यादातर ये ज्यादा यूज होती है नीचे वाले डेफिनेशन। कैसे यूज होती है, ये ऐसे यूज होती है कि अगर रिलेटिव डेंसिटी बॉडी की 4 है तो डेंसिटी ऑफ बॉडी निकालो, तो रिलेटिव डेंसिटी 4 इज डेंसिटी ऑफ बॉडी बाय डेंसिटी ऑफ वाटर जो कि 1000 है SI में, तो डेंसिटी ऑफ बॉडी कैन बी कैलकुलेटेड, ऐसे यूज करेंगे। इसके बाद ये क्वेश्चन बड़े फेमस है, आते हैं ये भी नीट और मेंस में। आपको ऐसे कोई ट्यूब देगा और कहेगा कि इसमें तरह तरह के लिक्विड हैं, जैसे इसमें स्पिरिट है, मरकरी है, वाटर है, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में है। तो कुछ पूछ लेगा, डेंसिटी एक की दे देगा, दूसरे की निकाल लेगा, कुछ भी पूछेगा, हाइट पूछेगा, डेंसिटी पूछेगा, कॉन्सेप्ट समझ लो। अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो लेफ्ट का प्रेशर और राइट का प्रेशर इक्वल होना चाहिए। लेफ्ट का प्रेशर क्या है, एच रो जी फॉर स्पिरिट प्लस एच रो जी फॉर मरकरी इज इक्वल टू एच रो जी फॉर मरकरी प्लस एच रो जी फॉर वॉटर। बस लेफ्ट का प्रेशर एच रो जी एच रो जी एच रो जी एच रो जी, इनको इक्वेट कर देना है, जो भी मिसिंग वैल्यू होगी कैन बी कैलकुलेटेड। तो मेथड समझ में आ रहा है यहां पर क्या करना है, ठीक। तो इसके बेस पे मेरे को लगता है कि आपके क्वेश्चन हो जाने चाहिए सॉल्व। ये सब प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको मिल जाएंगे उसमें। बैरोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो एटमोस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं आते, बस एटमोस्फेरिक प्रेशर होता है 1 × 10^5 पास्कल। मैनोमीटर एक डिवाइस है जो गैस के प्रेशर को मेजर करता है। तो मान लें ये गैस है इस कंटेनर में और ये मरकरी है, गैस का प्रेशर बढ़ा तो मरकरी ऊपर उठ गई। तो याद रखना, आपको गैस का प्रेशर निकालना है तो आप ए और बी पे लाइन खींच लें, जहां मरकरी स्टार्ट हो रही है, जहां आपने मरकरी को लिया और इस गैस को लिया, एक लाइन खींच लें, तो प्रेशर ए पे और प्रेशर बी पे एग्जैक्टली सेम है, तभी तो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि एच हाइट पर मरकरी रुक गई। तो प्रेशर ए पे प्रेशर बी पे सेम है, ए पे जो प्रेशर है वो तो देखो गैस का प्रेशर है, ए का प्रेशर तो गैस का प्रेशर है, और बी का प्रेशर क्या है, बी का प्रेशर है एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस मरकरी के लिए एच रो जी, एटमोस्फेरिक प्रेशर प्लस एच रो जी। तो गैस आपको एच पता होगा, डेंसिटी जी, और एटमोसफेयर पता होगा, गैस का प्रेशर आ जाएगा। और अगर गैस का प्रेशर में से एटमोस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें तो एच रो जी आएगा। इस डिफरेंस को बोलते हैं गॉज प्रेशर, ये लिख सकते हैं गॉज प्रेशर या गैस का प्रेशर निकालने का फॉर्मूला है।
ठीक है, विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी के अंदर क्या मेंशन है कि अगर आपका एक लिक्विड जा रहा है तो लिक्विड की एक प्रॉपर्टी है, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं, और जितनी ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होती है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। वो थिक लिक्विड है, गाढ़ा लिक्विड है, पतला लिक्विड है, नॉन विस्कस लिक्विड है। तो इसमें लॉजिक ये है कि क्योंकि हर लेयर की वेलोसिटी सेम नहीं होती, तो दो लेयर में रिलेटिव मोशन होता है, जिस वजह से यहाँ पर अंदर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है जिसको विस्कस फोर्स बोलते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आता है विस्कस फोर्स निकालने का। तो आपने क्या करना है, मान लो दो लेयर लेनी है, दोनों में वेलोसिटी का डिफरेंस डीवी है, एक वी प्लस डीवी, तो वेलोसिटी का डिफरेंस डीवी है, और दोनों में डिस्टेंस कितना है, डीएक्स है, तो इसमें से इसे माइनस करेंगे, डीएक्स है। दो लेयर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेवलप होगी पीछे की तरफ। ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है ना, इसका फॉर्मूला नोट करें, इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला इसके इक्वल है, वेयर ईटा इज नोन एज कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर ईटा ज्यादा है तो विस्कस लिक्विड है, ईटा कम है तो नॉन विस्कस लिक्विड है। ईटा न्यूमेरिकल में गिवन होता है, तो हम इसमें माइनस साइन का मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, न्यूमेरिकल में इसका मैग्नीट्यूड ही यूज किया जाता है। तो ये आप रूल लिखें इसमें कि पहला फॉर्मूला है विस्कस फोर्स का, जो जिसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस और नीट में। ठीक है, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला। दूसरा, इसको यूज कैसे करना है, ये न्यूमेरिकल आया हुआ है। इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या गिवन है, एक ना मेटल की प्लेट है, मेटल की प्लेट है जिसका एरिया गिवन है, तो इसका एरिया गिवन है प्लेट का, और कनेक्टेड टू 0.01 kg मास गिवन है, तो इसका वेट कितना है, 0.01 g इसका वेट है। अब वो कह रहा है कि इसकी, ये ना एक ऑयल के ऊपर पड़ा हुआ है, तो इसके नीचे एक तेल है, ऑयल है, ये रहा ऑयल, ठीक है, ये ऑयल है। इस ऑयल की जो थिकनेस है वो 0.3 mm की बन है, तो ये थिकनेस देख रहे हो, थिकनेस को कैसे लिखते हैं, डीएक्स 0.3 mm है, ये लो डीएक्स दिया हुआ है। अब वो कह रहा है कि व्हेन रिलीज्ड प्लेट मूव्स टू द राइट विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 0.085, तो वेलोसिटी गिवन है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 0.085 मीटर पर सेकेंड। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझते हो, एक्सेलेरेशन क्या है, ब्लॉक की जीरो है। आपको निकालना है कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी निकालनी है, ईटा निकालना है, इसमें क्या होगा, ये क्वेश्चन है। आप रूल समझ लें, जब ये ब्लॉक मूव करेगा विद द वेलोसिटी ऑफ वी, ऑयल की लोएस्ट जो लेयर होगी उसकी वेलोसिटी पता है क्या होगी, जीरो, क्योंकि ऊपर की लेयर से ब्लॉक मूव कर जाएगा, नीचे तक तो वेलोसिटी पहुंचेगी नहीं। तो इनमें जो डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी होगा डीवी, वो होगा वी माइनस जीरो। अब वी की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, तो आपके पास डीवी आ गया, इतने मीटर पर सेकेंड डीवी आ गया। डीएक्स आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना, 0.3 × 10⁻³ मीटर, डीवी आ गया, डीएक्स आ गया। अब वो कह रहे हैं वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है, भाई जब वेलोसिटी कॉन्स्टेंट है तो यहां पर क्या आ जाएगा, स्ट्रिंग में टेंशन आ जाएगी, तो यहां पर फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप होगी, जब ये इसके ऊपर जाएगा तो अंदर फ्रिक्शन की फोर्स डेवलप होगी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आगे और पीछे की फोर्स एग्जैक्टली सेम है, तो इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और टेंशन एग्जैक्टली सेम है, और टेंशन की वैल्यू यहां से निकल सकती है। टेंशन की वैल्यू यहां पर क्या है, टी इज इक्वल टू 0.01 g, तो अब यानी कि तो एफ की वैल्यू भी पता लग गई, 0.01 g। अब एफ का फॉर्मूला जो अभी मैंने आपको करवाया वो ये करवाया, इस फॉर्मूले में फोर्स हमें पता है, ईटा हमें निकालना है, एरिया हमें पता है, डीवी पता है, डीएक्स पता है, ईटा कैन बी कैलकुलेटेड। ईटा के एसआई यूनिट डेका पॉइज है, और अगर सीजीएस में कर रहे हैं तो पॉइज है, ये पता होना चाहिए, ठीक। तो इस टाइप से ये न्यूमेरिकल आया हुआ है, ये पहला न्यूमेरिकल है एनसीईआरटी का, और यही क्वेश्चन डाला हुआ है उन्होंने, मतलब इससे ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे, आप देख लो, अंदाजा लगा लो, आप बुकलेट कर जाओ, मेरी बात मानो, बेसिक क्वेश्चन कर जाओ, मुश्किल क्वेश्चन भी ना करो तो भी क्लियर हो जाओगे, ठीक। नेक्स्ट है,
पॉइसलीज फॉर्मूला। पॉइसलीज फॉर्मूले में वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड बताया जाता है किसी भी ट्यूब में। अब इसमें बुकलेट में लिखें, सबसे पहले अगर एक ट्यूब गिवन है और आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए गिवन है और लिक्विड बाहर निकल रहा है विद अ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी ऑफ वी वी, तो वॉल्यूम कितना लिक्विड का बाहर निकल रहा है पर सेकेंड, उसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है एरिया इनटू वेलोसिटी। ये पहला फॉर्मूला नोट करें, पर ये पॉइसलीज फॉर्मूला नहीं है। तो अगर वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालना हो तो एरिया इनटू वेलोसिटी से वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकल जाएगा। ठीक, दूसरा फॉर्मूला, अगर सपोज करो फिर से आपको एक ट्यूब गिवन है, इस ट्यूब में इस पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा है P1 है, इस पॉइंट का प्रेशर कम है P2 है, लिक्विड मूव करेगा फ्रॉम हायर प्रेशर टू अ लोअर प्रेशर, लेंथ L है और कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी ईट है। तो अगर प्रेशर डिफरेंस पूछूं इसमें क्या होगा तो आप बोलेंगे P1 - P2। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड अकॉर्डिंग टू पॉइसली इज π/8, प्रेशर डिफरेंस इनटू रेडियस इसका आर है, R^4/ईटा × L। तो वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड निकालने के दो तरीके हैं, एरिया इनटू वेलोसिटी, और अगर क्वेश्चन में प्रेशर डिफरेंस गिवन है तो फिर ये फॉर्मूला, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगेगा इसमें। ठीक है यहां तक, तो दोनों नोट कर लें, और दोनों क्या दे रहे हैं, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकेंड। ठीक है यहां तक, नेक्स्ट है, स्टोक्स लॉ। तो आप ये लिखें, अगर आपके पास एक स्फेयर है जिसका रेडियस आर है और वो लिक्विड के अंदर गिर रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ वी और ईटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, तो लिक्विड इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी जिसका फॉर्मूला 6π ईटा × R × V हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, फोर्स की वैल्यू आएगी। तो ये फॉर्मूला नोट कर लें, लेकिन ये फॉर्मूला सिर्फ स्फेयर के ऊपर लगेगा, तो स्फेयर पे कोई भी लिक्विड कितनी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी, 6π ईटा RV। और लास्ट है इसमें टर्मिनल वेलोसिटी। देखो टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, सपोज करो आपने कोई भी एक स्फीयर लिया, उसको लिक्विड के अंदर आपने ड्रॉप किया कुछ ऐसे। तो सपोज कोई भी आपने एक स्फीयर लिया, मेरा स्फीयर, और आपने लिक्विड के अंदर से ड्रॉप किया, तो ये नीचे गिरेगा, लोहे का स्फीयर है मान लो, कौन नीचे गिरेगा इससे, इसका वेट नीचे गिरेगा, क्या लगेगा इसके ऊपर, अब थ्रस्ट लगेगा और एक फ्रिक्शनल की फोर्स भी लगेगी अब स्फीयर के ऊपर, 6π ईटा × R × V ये भी लगेगी। अब होगा क्या, किसी टाइम पे नीचे की फोर्स और ऊपर की फोर्सेस क्या हो जाएंगी, इक्वल। तो एक्सेलरेशन इस स्फीयर के नीचे गिरने की क्या हो जाएगी, जीरो, और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल हो जाएगी अगर नेट फोर्स जीरो है, तो अगर मैं वेट पुट करूं, अप थ्रस्ट पुट करूं और टर्मिनल वेलोसिटी निकाल लूं, तो उसका फॉर्मूला 2/9 ईटा R² ρ - सिग्मा
डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा, ये रहा, डिवाइडेड बाय ईटा, ईटा सॉरी मैंने गलत लिख दिया था, तो 2/9 आर स्क्वायर, ईटा नीचे आएगा, आर स्क्वायर रो माइनस सिग्मा डिवाइडेड बाय ईटा इनटू जी। जब ये फॉर्मूला लिखेंगे इसमें बॉडी की डेंसिटी है और ये वाली डेंसिटी मीडियम की डेंसिटी है जिसके अंदर बॉडी गिर रही है, बस ये है। ठीक है यहाँ पर तो फॉर्मूला नोट करेंगे आप, ये देखो फॉर्मूला बेस्ड का पहला क्वेश्चन है ये वाला, यही मेंस का लेटेस्ट क्वेश्चन है जो आया हुआ है, मैं बता रहा हूँ हर टॉपिक का पहला क्वेश्चन डाल रखा है किताब का, और ये मैंने एनसीईआरटी से लिया है, बेसिक बेसिक पहला क्वेश्चन एसएल का पहला क्वेश्चन ले लो, वही पेपर में आ रखा है सारा, आप अंदाज़ा लगाओ कि लेवल क्या आ रहा है, सिर्फ फॉर्मूले के ऊपर चल रही है गेम, तो अगर आपने सारी थ्योरी कर ली, फॉर्मूले की एप्लीकेशन थोड़ी बहुत भी कर ली तब भी क्लियर है। तो यही क्वेश्चन आया हुआ है देखो मेंस में, क्या 8 रेन ड्रॉप्स जिसका रेडियस 1 mm है ईच, और ये नीचे गिर रहा है विद अ टर्मिनल स्पीड ऑफ 5, कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप, टर्मिनल बिगर ड्रॉप की निकालो, जब छोटे छोटे 8 ड्रॉप बड़े ड्रॉप में कन्वर्ट होंगे तो वॉल्यूम इक्वेट होगा, तो वॉल्यूम इक्वेट करके रेशियो आएगी, छोटे का रेडियस पता है तो बड़े का रेडियस आएगा, टर्मिनल का फॉर्मूला मुझे पता है, पहली डेंसिटी बॉडी की, बॉडी कौन है इसमें, पानी का ड्रॉप है तो पानी, और किस में गिर रहा है एयर में, तो मीडियम की डेंसिटी क्या है एयर, तो मुझे पता है चाहे बड़ा ड्रॉप गिरे चाहे छोटा गिरे, ना तो 2/9 चेंज होगा, ना डेंसिटी चेंज होगी, ना जी ना ईटा, क्या चीज़ चेंज होगा, रेडियस, तो वेलोसिटी टर्मिनल डिपेंडेंट अपॉन रेडियस का स्क्वायर, छोटे ड्रॉप की वेलोसिटी 5 है तो रेडियस 1 है, बड़े ड्रॉप के टर्मिनल निकालनी है और रेडियस 2 है, डिवाइड कर लो आंसर, यही क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं सही, तो ये जो आपने बुक परचेज की है ये आपने ट्राई करनी है 2023-23 के क्वेश्चन, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, मैं भी करवाऊंगा वैसे इसमें, ठीक है यहाँ तक। तो इसके बाद जो आगे का कॉन्सेप्ट है वो बर्नौलीज का कॉन्सेप्ट है जो अगली बार हमने स्टार्ट करना है।